पड़ोसियों की टीवी देखता है, मतलब ये है कि आप पावर बचाने के लिए ऐसा करते हैं। लोग टीवी खरीदते हैं और आप रिमोट खरीदते हैं, मुफ्त में अखबार पड़ता है। पेपर वापस दो सर, मुझे इसे दूसरे घर में देना है। लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत ही कंजूस नजर आता है। प्लीज इन पैसों को मेरे अकाउंट में जमा कर दो। ओके सर। दो फटे हुए 5 के नोट हैं, इसके लिए उन्होंने नाश्ता छोड़ा और तुम्हें बैंक में जमा करने को बोला है ना, पकड़ो। अगर मैं इसे बैंक में जमा करवा दूंगा तो मुझे टिप नहीं देंगे क्या? टिप क्या, वो चिप्स भी नहीं देने वाले। क्या तुम जानते हो मैंने कंजूस पति को क्यों पसंद किया है? अगर वो इतने मामूली खर्च के लिए भी इतना हिसाब किताब रखता है तो किसी बुरी आदतों पर खर्च नहीं करेगा। मैं आपके भाई से शादी करना चाहती हूँ। शादी लगभग 90% पक्की है। जब तक मैं कर्ज चुका नहीं देता तुम्हारे पास सिर्फ अधिकार है इस घर में रहने का, तुम कुछ भी छू नहीं सकते। अगर वो तुमसे शादी करती है तो वो तुम्हारी पत्नी हो जाएगी, क्या उसकी तनख्वाह तुम्हारी नहीं हो जाएगी? अगर तुम दोनों वेतन जमा करते हो तो एक साल में घर को पा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, देखो तुम पर ये बहुत सूट करेगा। एक नौकरानी के लिए 500 रुपए की साड़ी और मेरे लिए 300 रुपए की साड़ी, मैं ये साड़ी पहनूंगी। अरे कि मुझे 500 की साड़ी के साथ 300 की साड़ी मुफ्त में मिल रही थी। मैं तुम्हें 500 वाली देना चाहता था और उसे मुफ्त वाली देना चाहता था। दोनों एक ही तरह की है तो मिक्स हो गई, तो इसमें बड़ी बात क्या है? ठीक है ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ओमना सिर्फ एक नौकरानी है? सोचो वो हम में से एक ही है मेरी जान।